फूलपुर लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। समाजवादी पार्टी के नागेंद्र सिंह पटेल को फूलपुर की जनता ने अपना नया सांसद चुना है। हमारे साथ खुद नागेंद्र जी मौजूद है। नागेंद्र जी, सबसे पहले आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बधाई आपको। आपको लगता था कितना बड़ा ये चुनाव हो गया था, क्योंकि खुद सीएम योगी और आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, वो भी इस दौरे में आए, बहुत हाई प्रोफाइल हो गया था ये? हाँ, निश्चित कहने का मतलब ये हाई प्रोफाइल चुनाव था, लेकिन समाजवादियों के लिए कोई भी चुनौती आसान होती है। समाजवादी लोग चुनौतियों को आसान कर लेते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में कोई भी चुनौती छोटी नजर आती है। आपको कभी लगा था कि मुकाबला बहुत तगड़ा है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव प्रचार किया गया? नहीं नहीं, ये मुकाबला कभी कड़ा मान के हम लोग नहीं लड़े। ये समाजवादियों की सीट थी, हमेशा यहाँ से समाजवादी जीते हैं, इसलिए हम कभी कड़ा मुकाबला मान के नहीं लड़े। लेकिन डिप्टी सीएम पिछली बार यहाँ पर एक लंबे मार्जिन से जीते थे, तो आपको कुछ मन में कुछ डर था, कोई शंका थी? अब वो जादूगर थे, जुमला पार्टी थे, एक बार जादू देख ली जनता, बाकी जनता इसलिए जान गई, वो समाजवादियों की सीट थी, समाजवादियों के साथ आ गई। जब आप वोट डालने गए थे उस दौरान हमारी मुलाकात हुई, तो आपने बात किया था अतीक अहमद फैक्टर की। आपको लगता है अतीक अहमद का जो फैक्टर है वो फ्लॉप हुआ? नहीं नहीं, निश्चित फ्लॉप हुआ। सारे लोग, सर्व समाज जो है, सारे लोगों का समाजवादी पार्टी ने वोट दिया और जिताया है। आपकी जीत में बहुजन समाज पार्टी का कितना योगदान मानते हैं? बहुत योगदान है समाजवादी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का योगदान है। हमारी जीत में उनका योगदान है। यही सवाल मैंने उस दिन भी पूछा था। आपको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी ने अगर आपका साथ ना दिया होता तो ये जीत ना मिल पाती? अब उनका समर्थन था, सब समाजवादी लोग इकट्ठा हुए, भारतीय जनता पार्टी के विचार के खिलाफ जितने लोग थे, एक विचार के जितने भी पार्टियाँ थी, सब समाजवादी पार्टी के साथ थी और सबका सहयोग मिला। सभी कई दल, छोटे दल थे, जनता का भी आशीर्वाद, सुश्री बहन जी का भी आशीर्वाद, और सभी के आशीर्वाद से हम जीते हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।